हाय गाइस, सो अभी हुआ 6 इन द मॉर्निंग एंड आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं वाटर कलर पेंटिंग बनाऊंगा। सो सब्जेक्ट अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे कौन सी पेंटिंग करनी चाहिए, पोर्ट्रेट पेंटिंग या लैंडस्केप पेंटिंग। एंड मैक्सिमम लोगों ने कहा था मुझे पोर्ट्रेट पेंटिंग ही बनानी चाहिए। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं पोर्ट्रेट पेंटिंग ही बनाऊंगा, बट अभी रेफरेंस मैंने चूज नहीं किया है। सो मैं जल्दी एक अच्छा सा रेफरेंस चूज करूंगा एंड देन उसे ड्रॉ करूंगा। सो या आज वाटर कलर पेंटिंग होगी, बट थोड़ी देर में। 3 days later. So, काफ़ी देर से मैं रेफरेंस इमेज ढूंढने में हूँ एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या ड्रा करूँ। सो फाइनली मुझे एक अच्छा सा रेफरेंस इमेज मिला है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो तो ये सब्जेक्ट है जो मैं आज ड्रॉ करने की सोच रहा हूँ एंड काफ़ी स्टूपिड भी फील हो रहा है क्योंकि वाटर कलर्स में काफ़ी टाइम बाद वर्क करने वाला हूँ एंड मैंने रेफरेंस भी ऐसा चूज किया जो इतना टफ है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी ओल्ड फेस जिसमें काफ़ी सारा टेक्सचर, रिंकल लाइंस एंड डिफरेंट कलर्स हैं, उसे मैंने ड्रॉ करने के लिए चूज किया है। सो अब दो चीज़ें होने वाली है, या तो ये पेंटिंग वैसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब बनने वाली है या काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि वाटर कलर मेरा एक वीकर सेक्शन है तो मैं वाटर कलर में उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ एंड काफ़ी कम वर्क करता हूँ वाटर कलर से। सो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं ये ख़राब कर दूंगा, बट मेरे को लग रहा है ये रेफरेंस से मैं इससे सीखने को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मैं इसे ट्राई ज़रूर करूँगा भले रिजल्ट कैसा भी हो। सो लेट्स होप कि अच्छा ही रिजल्ट हो। तो मैं स्टार्ट करूँगा जल्दी, अब रेफरेंस मिस तो मिल गई है। सो फाइनली आई एम फ्रेशन अप एंड आई एम रेडी टू स्टार्ट माई वाटर कलर पेंटिंग। सो आज की इस पेंटिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूँ प्रोफेशनल क्वालिटी के वाटर कलर्स जो कि मुझे हॉबी क्राफ्ट इंडिया ने भेजे थे एंड मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये कोई ब्रांड के वाटर कलर्स हैं जिसके अंदर 24 सीड्स हैं एंड इसकी कॉस्ट 1800 है। सो प्रोफेशनल वाटर कलर्स से मेरी फर्स्ट पेंटिंग होने वाली है। इससे पहले जितने भी वाटर कलर वर्क किए हैं मैंने वो सभी स्टूडेंट ग्रेड के वाटर कलर्स से किया है। सो आज मैं इन वाटर कलर्स को ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे प्रोफेशनल वाटर कलर्स स्टूडेंट वाटर कलर्स से डिफरेंट हैं एंड ये कितना ईजी बनाते हैं वाटर कलर के वर्क को। सो लेट्स होप कि वाटर कलर से मेरी ड्राइंग जो है अच्छी बनेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो इस सरफेस में मैं अपनी पेंटिंग करने वाला हूँ तो इसे मुझे थोड़ा सा स्लोप में चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर साइड एक ये टेप रख देता हूँ। सो नाउ इट्स इन परफेक्ट एंगल। सो अब मैं इसके ऊपर अपना पेज रखूँगा। सो आज की इस वाटर कलर पेंटिंग के लिए जो पेपर मैं यूज करने वाला हूँ वो आर्टो ब्रांड का है एंड ये 100% कॉटन है एंड 300 GSM का है। सो वेट ऑन वेट टेक्निक के लिए 100% कॉटन सीड्स काफ़ी अच्छी होती हैं। सो दिस इज़ द पेपर एंड आज मैं इस पेपर को फर्स्ट बार ट्राई कर रहा हूँ। सो देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। नाउ मास्किंग टेप की हेल्प से मैं इसे इस बोर्ड पे फिक्स करने वाला हूँ। सो ड्राइंग की आउटलाइन मैंने मोस्टली ऑब्जर्वेशन से बनाई थी एंड इसके रफ आइडिया के लिए मैंने ग्रिड्स का यूज किया था। सो मैं वेट ऑन वेट टेक्निक का यूज करने वाला हूँ जो कि मैंने अभी अभी सीखी है। सो उसके लिए मैं सबसे पहले पूरे पेज को एक वाटर की लेयर से कवर करूँगा एंड काफ़ी ज़्यादा उसमें वाटर लगाने वाला हूँ एंड पेज की ज़्यादा वरी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये 100% कॉटन पेज है। सो पूरे पेज को एक बार मैंने अच्छी तरह से वेट कर दिया है। नाउ जो मैंने एक काफ़ी हल्की सी लेयर पेंट की अप्लाई कर रहा हूँ। सो मैं काफ़ी ज़्यादा पेंट इसमें नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी हल्की क्वांटिटी में पेंट ले रहा हूँ एंड देन उसे अप्लाई कर रहा हूँ। सो मैं बेसिक पार्ट्स को कवर करना चाहता हूँ पेंट से जो जो मुझे चाहिए एंड देन आई विल स्टार्ट डिटेलिंग। सो पूरे पेज में मैंने पेंट की एक हल्की सी लेयर अप्लाई कर दी है एंड इसे मैंने थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए भी छोड़ दिया था क्योंकि अगर ये वेट होगा तो इसमें डिटेलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। सो थोड़ी देर तक सूखने के बाद अब मैं इसमें डिटेलिंग का वर्क शुरू कर रहा हूँ। सो डिटेलिंग के लिए मैं एक फाइन टिप वाला 0 नंबर का राउंड ब्रश यूज कर रहा हूँ एंड ये डिटेलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसकी टिप काफ़ी साफ है। सो छोटी छोटी डिटेल हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं।
एंड क्योंकि ये वाटर कलर वर्क में मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ एंड उसमें मुझे लगता नहीं है कि मैं अच्छे से ड्रॉ कर पाऊँगा, सो इसलिए मैं आपको अपने पैलेट की इन्फॉर्मेशन या कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ वो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। सो मैं अभी खुद ही ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे भी एक अच्छी से बन जाए, देन फ्यूचर वीडियोज़ में अगर मैं वाटर कलर में थोड़ा एक्सपर्ट हो गया तो मैं आपके लिए फुल टाइम ट्यूटोरियल्स भी अपलोड कर पाऊँगा, बट फिलहाल इस वीडियो में आपको ऐसे ही मैनेज करना होगा। सो ये पेंटिंग शुरू करने से पहले मैं वाटर कलर के ऊपर कुछ ट्यूटोरियल्स देख रहा था एंड उन ट्यूटोरियल को देख के मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गया था, क्योंकि उसमें जो कलर थ्योरी कि आपको शेडोज में ये कलर्स यूज करने चाहिए, हाइलाइट्स में ये कलर यूज करने चाहिए एंड डिफरेंट वाटर कलर टेक्निक्स जो वीडियोज़ में बताते हैं उनको देख के मुझे लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं इसे बन ही नहीं पाएगा, बट फिलहाल तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई होप कि अच्छे से बन जाए। बट उन वीडियोज़ को देख के मुझे लगा कि मेरे पास जो आर्ट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनमें जो शेडोज़ का इफेक्ट बताया था वो काफ़ी कमेंडेबल था, काफ़ी इजीली उससे शेडोज इफेक्ट आ सकते हैं। सो मैं सोच ही रहा हूँ कि अब मुझे BFA ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी जो अभी तक जितना भी लर्न किया है वो खुद से ही लर्न किया है या यूट्यूब में से वीडियो देख के किया है, बट उससे हम उतना एक्यूरेट या उतना प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकते, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी। सो आई डोंट नो, होपफुली कि मैं नेक्स्ट ईयर क्या पता BFA करूँ एंड अपना एक जो क्वालिटी है आर्ट की वो ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगी उससे मेरी, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मेरा जितना भी अभी ड्राइंग है वो थोड़ा बिगिनर टाइप भी लगता है। सो उसे एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए मुझे पूरा उसके हर एक बेसिक्स हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो मैंने डिसाइड तो किया है, देखते हैं क्या होता है। सो प्लीज़ गाइज, मुझे इसमें आप लोगों का भी सजेशन चाहिए कि मुझे BFA करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। सो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे लिए क्या सही रहेगा। आई विल बी वेटिंग गाइज। सो फेस मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है एंड मैं रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छे से इसे ड्रॉ कर पाऊँगा। सो या आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट, आई होप कि आगे भी ड्राइंग अच्छे से बन पाएगी।
सो अभी तक जितनी भी मेरी इस वाटर कलर पेंटिंग में प्रोग्रेस हुई है उससे मैं काफी ज्यादा हैप्पी एंड काफी सेटिस्फाइड हूँ। एंड ये कलर्स भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आए क्योंकि ये काफी ज्यादा डार्क है एंड काफी कम एफर्ट के एक रियलिस्टिक रिजल्ट भी मिल जा रहा है। सो इसी कारण से मैं बिगिनर आर्टिस्ट को सजेस्ट करता हूँ कि उन्हें बिगिनिंग में जो है चीप टूल्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि चीप ड्रॉइंग टूल्स का यूज करते हुए जब हम स्ट्रगल करते हैं वो हमें काफी ज्यादा कुछ सिखाता है एंड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है वो लेसन। क्योंकि क्या होता है जब हम चीप आर्ट सप्लाईज का यूज करते हैं तो हमारे लिए आर्ट को काफी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं एंड हम उसे ईजी बनाने के लिए एंड अच्छा बनाने के लिए खुद ऐसी टेक्निक्स ढूंढते हैं एंड डेवलप करते हैं जो कि हमारी लर्निंग प्रोसेस के लिए काफी अच्छा होता है और उससे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। सो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चीप क्वालिटी के आर्ट सप्लाईज का यूज करें एंड जैसे जैसे आपका आर्ट का लेवल बढ़ता जाए तो आप अपनी जो क्वालिटी है मटेरियल्स की वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल आर्ट सप्लाईज के साथ यही होता है वो आपके लिए चीजें काफी ज्यादा आसान बना देता है एंड आप काफी कम एफर्ट से एक रियलिस्टिक रिजल्ट या जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट है वो पा सकते हैं। बट इसी की जगह अगर आप चीप आर्ट सप्लाईज का यूज करेंगे तो आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने डिजायर्ड रिजल्ट के लिए या उसे रियलिस्टिक बनाने के लिए एंड उसी स्ट्रगल से आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो या अगर आप बिगिनर हैं तो आप जरूर चीप क्वालिटी के आर्ट सप्लाईज से शुरुआत करें एंड देन धीरे धीरे प्रोफेशनल क्वालिटी की हो जाएं जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा। सो आज तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, इससे ज्यादा मैं नेक्स्ट डे ही ड्रॉ करूंगा। सो फिलहाल के लिए बाय गाइस एंड बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं इस पेंटिंग को कंप्लीट करूंगा। सो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। सो बाय गाइस।